Hello everyone, this is One Breathing Inspirational House and I am Sanovar Singh. और आज पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव वर्क की सीरीज का थर्ड एपिसोड है. और इससे पहले दो एपिसोड्स में हमने 5 पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के. तो पहले हम उन 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर आगे के पॉइंट पर बात करेंगे. तो जो सबसे पहला पॉइंट था वो था विजुअल पिक्चर्स, कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी विजुअल पिक्चर्स हमेशा अपने माइंड में रखें. सेकंड जो पॉइंट था वो था स्टार्ट बाय कीपिंग द एंड, आप कैसा अंत चाहते हैं इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें. थर्ड इज डिकोडिंग डेली हैबिट्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस. फोर्थ फॉरगेटिंग एंड थर्ड एंड सॉरी फिफ्थ इज नेचर ब्रेथ, प्रकृति में थोड़ा समय जरूर बिताएं. ये 5 पॉइंट हमने पहले 2 एपिसोड में डिस्कस करे हैं. चलिए आज का जो पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव वर्क के जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं. तो आज का पहला पॉइंट है एक्सेप्ट एंड एंजॉय योर पोजीशन, योर प्लेस. आप किस जगह पर हैं और किस स्तर पर हैं इस चीज़ को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है. उसको महसूस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसको करने के लिए हमारा मन नहीं है, हम उसे करना नहीं चाहते, हम उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें तलाश किसी और चीज़ की है. और इस स्थिति में हम अपनी जो पोजीशन है और जिस प्लेस पर हम हैं वो चीज़ भूल जाते हैं, उसे नकारना शुरू कर देते हैं. हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी पोजीशन पर हों, हम उस पोजीशन पर रहकर अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, दूसरों को क्या दे सकते हैं एक ही जगह पर रहकर. ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी. आप जो भी कर रहे हैं अपने साथ आपको उसका बेनिफिट एक ना एक दिन जरूर होना है. इसलिए आप कहीं पर भी हों, जो आप करना चाहते हैं आप अपने साथ करें, उसी समय करें, किसी भी पोजीशन पर हों. अपने जो माइंड का प्रोसीजर है उसको वैसे ही रखें जैसा आप अपने आप को चाहते हैं, आने वाले दिनों में चाहते हैं, अपने भविष्य के दिनों में चाहते हैं. तो ये जो 6 पॉइंट है एक्सेप्ट एंड एंजॉय योर पोजीशन, योर प्लेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारा जुड़ाव जो है वो होना चाहिए, लगाव होना चाहिए उससे. उस काम को करते हुए हमें वो काम फील होना चाहिए. और जो 7th पॉइंट है आज के इस एपिसोड का वो है वन थिंग विद वन वर्क. एक सोच के साथ एक काम शुरू करने की कोशिश करें. ऐसा ना हो कि लाइफ में बेनिफिट्स के लिए आप बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर दें और एक ही सोच के साथ उन कामों को शुरू करें. अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसे पूरा करें. जो आपकी फर्स्ट चॉइस है उसको पहले पूरा करने की कोशिश करें. एक सोच के साथ आगे बढ़ें, 10-15 ख्याल अपने दिमाग में लेकर एक काम से उम्मीद लगाकर ना करें. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे काम एक साथ शुरू कर देते हैं, जो हमारा एक रूटीन है कि आज हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे. तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक ही दिन में सारे काम पूरे कर लेते हैं, तो क्या होता है कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसके रिजल्ट्स हमें वैसे नहीं मिलते जैसे हम उस काम को करना चाहते थे. और हम अपने आप से फिर सोचते हैं कि यार इससे ज़्यादा बेटर तो मैं अपने साथ कर सकती थी और नहीं कर पाई. तो ऐसा जल्दबाजी के जो काम है उन कामों से बचने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए. वन थिंग
विद्वान वर्ग। आप एक काम को पूरा करिए, उससे सेटिस्फाई होए, और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसको फिर से स्टार्ट करें। जब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता, कोशिश करें कि आप दूसरे काम को स्टार्ट ना करें। इससे होगा क्या कि वो भी आपका जो काम है जिसको आप पहले करना चाहते थे वो भी नहीं होगा, और आपका दूसरे काम में भी मन नहीं लगेगा। आज का लास्ट और जो 8th पॉइंट है वो है रेडी फॉर रिजेक्शंस। अगर आपको कहीं नकारा जाता है तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहें, और इस चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है कि कहीं पर कुछ कमी रही होगी जिस वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करने पड़े। इम्प्रूवमेंट हम अपने आप में कर सकते हैं, इस तरफ हमें गौर करनी चाहिए। देखिए, रिजेक्शंस जो होते हैं वो हम दो ही तरीके से फेस करते हैं, या तो तब जब हमारे अंदर कुछ ऐसा छूट गया हो जो सामने वाले को हमसे चाहिए, हमें अभी वो शार्पनेस ना आई हो जो सामने वाले को चाहिए। तो एक रिजेक्शंस तो होता है ये। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारा जो काम है वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो है उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। तो एक रिजेक्शन तो हुआ कि जो हमें हमारी कमी की वजह से मिल रहा है, और दूसरा रिजेक्शन जो हमने फेस किया वो ये कि हमारी कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है। और इस चीज़ से निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। एक ना एक दिन आप में शार्पनेस भी जरूर आएगी और आपका काम कोई समझे, ऐसा भी कोई ना कोई पर्सन इतने बड़े वर्ल्ड में ज़रूर होगा। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ये जो दुनिया है ये इतनी बड़ी है और इसमें इतने सारे लोग हैं, और एक ना एक दिन हमारा ज़रूर होगा। जो हम कर रहे हैं उस चीज़ का बेनिफिट भी हमें मिलेगा, और हमारे काम को समझने वाला पर्सन भी हमें ज़रूर मिलेगा। बस हम अपनी जॉब को जो हम करना चाहते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें, और अपने माइंड को हमेशा सेट रखें। वन ब्रीथिंग पर एक थॉट है, इफ़ आवर माइंड इज स्ट्रॉन्ग देन लाइफ विल बी कंबाइंड क्विकली एंड विल गिव अस द डिज़ायर वर्ल्ड। कि जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है वो कैसी भी हो, लेकिन हमारा माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम उस जगत को, उस दुनिया को पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। बाहर कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी चीज़ें आपने फेस क्यों ना करी हो, उसका इम्पैक्ट अपने आप पर पड़ने ना दें। तो वन ब्रीथिंग के साथ मेरी ये सीरीज़ पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव वर्क की यहीं पर ख़त्म होती है। हमने 8 पॉइंट पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव वर्क के डिस्कस करे हैं। अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मेरा मानना है कि ज़रूर हमें बेनिफिट होगा, और हम उस चीज़ को पा सकते हैं जिस चीज़ को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू टू join us and support one breathing podcast. Take care. Bye bye.